आजा जिंदे शामी गाने के तल है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तल है आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है स्वतंत्रता संग्राम में शरीक होने के लिए प्रेरित किया था।
किंतु 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरे चौरा पर कुछ युवा क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग का आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय से काफी निराश हो गए और उनका अहिंसा से विश्वास उठ गया और उन्होंने अपनाया सशस्त्र क्रांति का मार्ग। स्वतंत्रता सेनानी शचिंद्रनाथ सन्याल की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे कई युवा क्रांतिकारी। हौसला बुलंद था, लक्ष्य तय था और दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी, करेंगे या मरेंगे, लड़ेंगे या मरेंगे। इन युवा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरत थी हथियारों की, जिसे खरीदने के लिए पैसों की जरूरत भी थी। ये पैसा कहां से लाया जाए? तभी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने एक योजना बनाई। अंग्रेजों ने सालों साल दमन करके भारतीयों को लूट कर अपनी तिजोरियां भरी थी और यही पैसा सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन में सवार होकर पहुंचने वाला था। क्यों ना इन्हीं पैसों को वापस लिया जाए? विचार तो काफी अच्छा था, लेकिन इसको अंजाम देना मतलब मौत को गले लगाना। पर सर फरोशी की तमन्ना दिल में लिए चलने वाले इन क्रांतिकारियों को नहीं सकता था। योजना के मुताबिक 9 अगस्त 1925 के दिन सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को बीच में ही रोका गया। ये स्टेशन था काकुर। रोकी गई ट्रेन में 10 युवा क्रांतिकारी सवार हो गए और जैसे ही ट्रेन चली, राजेंद्र लहरी ने चेन खींची, ट्रेन रुक गई। कुछ युवा क्रांतिकारियों ने गार्ड को घेर लिया। ट्रेन में सवार मुसाफिरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन रुक क्यों गई। इतने में ही ट्रेन के कंपार्टमेंट में सवार अंग्रेज सिपाहियों को भनक लग गई कि कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोक दिया है। वे अपनी बंदूक लेकर क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए ट्रेन में घूमने लगे और कुछ क्रांतिकारियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। वक्त बहुत कम था और क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों का सामना करने के लिए हथियार भी नहीं थे। इतने में ही एक क्रांतिकारी ने गार्ड से ट्रेन में रखे हुए खजाने के संदूक की चाबी मांगी। गार्ड ने देने से इनकार कर दिया। तभी चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी मिलकर उस संदूक को हथौड़ी मारकर तोड़ने लगे। इस आवाज को सुनकर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। कुछ क्रांतिकारियों ने उनके सामने गोलीबारी कर उनके साथ जंग छेड़ दी। एक तरफ गोलियों की बारिश, दूसरी तरफ गिरफ्तार होने का डर, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। एक जबरदस्त प्रहार से आखिरकार संदूक टूट गया और क्रांतिकारियों ने उसमें से 4,601 रुपए की धनराशि लूट ली। इस तरफ लड़ाई उसकी चरम सीमा पर थी। तभी पैसे हाथ में आते ही एक दूसरे को इशारे से खबर कर दी गई और सब Thank you.
Thank you.